जय हिंद। आज हम बात करेंगे हीट मास ट्रांसफर, हीट एंड मास ट्रांसफर HMT सब्जेक्ट के यूनिट 5 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये टॉपिक्स AKTU एग्ज़ाम में आते हैं और ये AKTU यूनिवर्सिटी का BTEC मैकेनिकल थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हीट एंड मास ट्रांसफर। तो आज हम देखेंगे कि यूनिट 5 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कौन से टॉपिक से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जो सबसे पहले टॉपिक होगा वो होगा हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपका 100% जो है कि आना ही है, ठीक है। इसके बाद से जो है सेकेंड आपका LMTD है। LMTD जो है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यूनिट 5 में से पूछा जाता है। ये भी आप इसको 95% मान लें कि आना ही है। इसके बाद NTU नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। NTU टॉपिक जो है ये पहले भी आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है, तो इसको भी हम 98% मान लेते हैं कि ये आएगा। इसके बाद जो है आपका बॉइलिंग कर्व। बॉइलिंग कर्व टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं और इसको जो है हमें जरूर पढ़ के जाना है और इसको आप 100% मान लें कि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है और इससे क्वेश्चन बनते भी हैं बॉइलिंग कर्व से। इसके बाद जो आपका है वो है फिक्स लॉ ऑफ मास डिफ्यूजन। इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और इसके आने की संभावना जो है 90% है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपका है वो है फॉलिंग फैक्टर। इससे भी जो है 95% मान लें कि इसके आने की संभावना है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ हीट पाइप। इसको भी हम 95% मान लेते हैं कि इसके भी आने की संभावना है। सो हीट एंड मास ट्रांसफर HMT यूनिट 5 के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको आपके साथ शेयर किया गया है। आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाएं। इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप पास होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। धन्यवाद।